नमस्कार, मी अनंत कौसाले। तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण मॅथेमॅटिक्स हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत। काय करणार आपण? आपण आज मॅथेमॅटिक्स हा इंटिग्रेशनचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत। इंटिग्रेशन म्हणजे सर, इथे टाइम हा इंटू मध्ये असतो सर। कशामध्ये असतो टाइम? हा टाइम हा गुणाकारामध्ये असतो। दे कॉल्ड इंटिग्रेशन सर। इथं आपल्या सर एका संख्या जोडायची असते, ओके, आणि ज्या ब्रांच मध्ये सर संख्या तोडतात त्या कॅल्क्युलेटर आपण काय म्हणतो सर? त्या कॅल्क्युलेटर आपण डिफरन्शिएशन असं म्हणतो। तिथं टाइम हा बायामध्ये असतो, म्हणजे भागाकारामध्ये असतो। आणि इथं टाइम कशामध्ये असतो सर? हा मल्टीप्लाय मध्ये टाइम असतो, गुणाकारामध्ये इथं टाइम असतो। इथं आपला एखादी संख्या जोडायची असते, आणि जिथं टाइम हा भागाकारामध्ये असेल तिथं आपला संख्या ही मायनस करायची असते। दे कॉल्ड एज डिफरन्शिएशन, बट दिस इज अ इंटिग्रेशन सर। इज अ टाइम इज अ मल्टीप्लाय। बात समझ में आ गई सर। चलो तो मुझे हमको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि फाइंड द एफ इज इक्वल टू 8 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 बाय, मतलब फाइंड द dx, ओके। हमको क्या निकालना है बुआ जी? हमको ये dx निकालना है, ओके। हमको x इज इक्वल टू 0 दिया है, ओके, और x इज इक्वल टू हमको 5 दिया है। बात समझ में आ रही? इतनी आ रही सर। हमको dx से निकालना है। किसके फॉर्मूले से निकालना है सर जी? हमको बुआ जी इंटीग्रेशन के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से हमको ये dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने बुआ जी 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में सब पढ़ा है कि dx क्या होता है। dx dx का मतलब होता है बुआ जी क्या? इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन की वो यहाँ पर 1 प्लस होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 प्लस होगा। और d बाय dx में क्या होगा? d बाय dx में 1 माइनस होगा। क्लियर है ना? क्लियर सर। यहाँ पे जोड़ना बोलते इसको, इसको क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे, इज इंटीग्रेशन। और तोड़ना बाय तोड़ना मुझे क्या सर? d बाय dx। क्लियर है ना? क्लियर सर। इज अ इंटीग्रेशन, इज अ डिफरेंशिएशन, इज अ टू ब्रांच ऑफ कैलकुलस। क्लियर है ना? क्लियर सर। सर एग्जैक्ट न्यूटन या महान शास्त्रज्ञ सर ही गणिताची ब्रांच शोधून काढली। सगळ्यात कठीण ब्रांच जर आपला जर कोणी विचारलं सर गणिताची कोणती आहे, उत्तर सर कॅल्क्युलस। सर एग्जैक्ट न्यूटन या महान शास्त्रज्ञ सर ही ब्रांच शोधली। क्लियर ना? क्लियर सर। ओके, तर आपण सॉल्व काय करायचं? डीएक्स काढायचं, ओके। इज अ फॉर्मुला ऑफ डीएक्स, 1 प्लस यहाँ पे होगा। क्लियर है ना? क्लियर सर। चलो, क्लियर समझ में आ गई ना? ओके, चलो क्वेश्चन समझ लिया? ओके, चलो अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ओके। कैलकुलस क्या बोलते हैं इसको? बोलते कैलकुलस। चलो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डीएक्स निकालना है हमको, तो डीएक्स इज इक्वल टू लेंगे हम एक्स इक्वल टू 0 हमको दिया है। क्लियर ना? दिया है कि नहीं बोल? यहाँ पे लिखा हमने, लिखा सर जी, लिखा। चलो एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा यहाँ पे, वो हमको कितना दिया वैल्यू एफ इज इक्वल टू? तो बगा यहाँ ले बगा 8 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर, ओके। हमको बुआजी क्वेश्चन दे, हमको सॉल्व क्या निकालना है? हमको हमको यह निकालना है, ओके, तो निकालेंगे हम। चलो चलो यहाँ पे हमको हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1 प्लस होगा यहाँ पे। क्लियर है ना? क्लियर सर। चलो यहाँ पे तो dx इज इक्वल टू, ओके, तो dx इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, 8x हो गया प्लस, ओके, माइनस 4x स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं सर? जी आ रही। चलो सर 3x क्यूब बाय 3, तो यहाँ पे कट दिया कट दिया कट दिया कट दिया, यहाँ पे 2 आएगा, ओके, बे के बे, बे दो नी 4। बात समझ में आ रही है? आ रही है। यहाँ पे देयर फोर मनून, ओके, 8, एक्स की कीमत कितनी आपने 5 दिली, ओके, मनून सर 8 इंटू 5 माइनस 2 का सर ब्रैकेट में क्या हुआ जो 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब। समझ में आ रहे सर? मैथमेटिक्स बुआ जी आपको समझना पड़ेगा, नॉट रट्टा मारी बुआ जी। मैथमेटिक्स में कोई रट्टा नहीं चलता बुआ जी, फिर कांड होता है, ओके, जी मींस के जी आड़वा के दिन, ओके। यहाँ पे बुआ जी मैथमेटिक्स को रटने की चीज नहीं होती बुआ जी, मैथमेटिक्स फीलिंग सब्जेक्ट बुआ जी। जब तक फील नहीं आएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। इसलिए बुआ जी मैथमेटिक्स पढ़ते समय फीलिंग पैदा करो और मैथमेटिक्स अच्छी तरह पढ़ो, क्योंकि मैथमेटिक्स तो गॉड सर, गणित हा देव है सर, ओके, तो कोणालाही कळत नाही, आणि ज्याला कळला तो टॉपला जो दर्शो राहणार नाही सर, ओके। म्हणून सर गणितची पूजा करा, ओके, गणित शिकण्याचा प्रयत्न करा, ओके। जो व्यक्ती सर गणित शिकला तो आज खूप टॉपला सर गेलेला, एक्झाम सुंदर पिचाय सर, ओके। आज सर ते गुगल ते सीईओ आहेत, ओके, सर नो, यस सर,
सर गणित तज्ञ सर आईआईटी खड़गपुर से उनने पढ़ाई की थी, बात समझ में आ रही है? आ रहे सर, आज वो गूगल के सीईओ है, क्या गूगल के वो चेयरमैन है, क्लियर ना? क्लियर सर। किसने पढ़ा किया उनको? बोझ मैथमेटिक ने पढ़ा किया, बात समझ में आ रही सर? आ रहे, चलो क्लियर ना? क्लियर। चलो क्या होगा इधर भाई, 5 8 × 5 - 2, ओके सर, -2, 5² + 5³, क्लियर ना? इतना समझ में आ गया? आ गया। चलो तो वाजी 8 × 5 = 35, ओके 35, ओके 35 माइनस 2 ऐसे कर 2 × 25 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, ओके प्लस 125, इतना समझ में आ रहा है सर जी? आ गया। चलो अब हम काटेंगे थोड़ा, ओके इतना समझ में आ गया? 8 × 5 = 35 - 2, आ गया समझ में? इतना आ गया। तो वाजी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का क्यूब 125। तो अब इसका हम क्या करेंगे वो यहाँ सॉल्व करेंगे, ओके डीएक्स निकालना है हमको सर जी। चलिए यहाँ पे हम काट देंगे ऊपर का, तो डीएक्स इज इक्वल टू सर का सर, डीएक्स इज इक्वल टू, तो डीएक्स इज इक्वल टू सर का है 35 माइनस 2 25 प्लस 125, ओके। तो डीएक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 35 - 50 + 125, क्लियर ना? क्लियर सर। तो वो आज 35 माइनस, ओके सर जी यहाँ पे, हाँ तो 35 माइनस बोझ कितना आ गया यहाँ पे? 15 + 125, ओके बोझ 15 + 125, तेरे बाज डीएक्स इज इक्वल टू का उत्तर आ रहा सर कितना आ गया यहाँ पे? वो यहाँ पे सर आएगा कितना, कितना सर यहाँ पे हम करेंगे, ओके क्लियर ना? 15 है, ओके तो 0 1 सर यहाँ पे की समझ में आ रहा है सर? 3 4 140 आएगा सर, 140 क्लियर ना? क्लियर सर जी, क्लियर। यहाँ पे 140 आएगा, बात समझ में आ रही सर? आ रही। चलो सर ओ थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, ओके ओके थोड़ा एक थोड़ा गलत आंसर लिख लिया हमने, थोड़ा भाई मैथमेटिक है बहुत गलती होती इधर, थोड़ा गलत लिख लिया, थोड़ा छोड़ो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा साला, मैथमेटिक है बहुत गलत होता है, ओके तो वाजी फिर सॉल्व करें, थोड़ा गलत हो गया बहुत। हमने क्या लिखा था? हमने ऐसा लिखा था, ओके 5 माइनस एक मिनट बोझ, एक मिनट ओनली 1 मिनट, ऐसा कुछ था सर, ऐसा कुछ था, ओके क्लियर इतना, ओके सर। यहाँ पे आएगा 40 - 50 + 125, ओके ऐसा आंसर आएगा सर यहाँ पे, ओके ओके सर जो ओके यहाँ पर आएगा 10 + 125 = 135, द मेन आंसर सर, ओके ये आंसर बुआ जी आप सही है, ओके द मेन आंसर सर यहाँ पे समझ में आ गया सर? यहाँ पे ये मेन आंसर है, मैथमेटिक में गलतियां होती है, ओके ओके वो आज मैथमेटिक कोई बच्चों का खेल नहीं पढ़ा रहा, बहुत कठिन होता है मैथमेटिक, ओ ये द मेन आंसर है, बात समझ में आ गया? द मेन आंसर, ओके नॉट टू, ओके द रियल आंसर, क्लियर ना? क्लियर। चलो समझ में आ गया, हमने 8 × 5 क्या आ गया 40 - 2 × 5² यानी कि 25 × 2 = 15 + 125, तो 5³, ओके तो वो यहाँ पे आएगा 10 + 125 = 135, द मेन आंसर इज 135, बात समझ में आ गई? आ गई सर द मेन आंसर। अरे हाँ या ना, हाँ सर कितना आ गया आंसर? आंसर बबू आ जाए 135, क्लियर है ना? क्लियर सर, ओके आंसर सर क्लियर, बात समझ में आ गई? आ गए। चलो धन्यवाद सर।